हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आज हम लोग सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो लोग भी आज नए ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल एक वीडियो अपलोड किया गया सर्कल चैप्टर पे, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए या एक बार गो थ्रू हो जाइए, ताकि आज जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। तो सर्कल चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कल के क्लास में हमने क्या किया था। अच्छा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस वीडियो को फिर से रिपीट देखते रहिए। तब तक देखते रहिए जब तक आपको सारी चीजें क्लियर ना हो, ठीक है। और अगर तब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसी से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो सर्कल का जनरल इक्वेशन हमने डिस्कस किया था, और जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस 2fy plus c is equals to 0, ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के जो सेंटर होते थे, सेंटर माइनस g माइनस f, और रेडियस है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस का फॉर्मूला। ये हमारा कल के क्लास में हो गया था, आज जो हमारा डिस्कशन होगा हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ अपने को केसेस देखना, जैसे केस वन। अब देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है अंडर रूट के अंदर हमेशा जो क्वांटिटी होती है, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है या तो फिर जीरो होती है। तो अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट मीन्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर है जीरो होता है, मतलब तो इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल के रूट के अंदर है 4, तो रूट के अंदर अगर 4 है तो रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसका मतलब रेडियस कितनी है आपके पास 2 है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम लोग ऐसे इसमें कहते हैं कि वो सर्कल रियल सर्कल है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो देन सर्कल इज रियल। सर्कल क्या है? रियल सर्कल है। अगर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसकी वैल्यू जीरो होती है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है क्या है जीरो है, तो रूट ऑफ जीरो कितना होता है जीरो, रेडियस कितनी मिल जाएगी आपको जीरो मिलेगी। अगर रेडियस आपको जीरो मिलती है इसका मतलब जो सर्कल है, सर्कल इज अ पॉइंट, सर्कल क्या है पॉइंट होगा, जैसे कि पॉइंट है। अब आप इसकी रेडियस, वैसे तो बहुत ही मिनिमम रेडियस आएगी जिसको हम लोग ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं, इसलिए जब भी रेडियस क्या होगी जीरो होगी तो एक पॉइंट सर्कल आपको मिलेगा। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के कैसे आती है जीरो से लेस आती है, अगर जीरो से लेस आती है इसका मतलब रूट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है इसका क्या मतलब है कि वो एक इमेजिनरी होगा। तो देन सर्कल इज इमेजिनरी, सर्कल कैसा सर्कल होगा, एक इमेजिनरी सर्कल होगा, ठीक है। सो हमारा डिस्कशन क्या है, जब सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है, जिसका सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके। अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का तो जीरो से बड़ी है, मतलब रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक सर्कल क्रिएट होगा, ठीक है, तो वो सर्कल रहेगा रियल सर्कल। अगर रूट के अंदर जीरो वैल्यू है तो सर्कल क्रिएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस हो जाएगी जीरो, तो क्या क्रिएट होगा, एक पॉइंट क्रिएट होगा, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सर्कल इज अ पॉइंट।
और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर लेस देन जीरो है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जीरो से कम वैल्यू है, जीरो से कम वैल्यू मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी, तो सर्कल होगा एक इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, ये हो गया केस वन। अब आते हैं केस टू पे। केस टू, अब केस टू क्या कहता है, अगर मान लो ये जो सर्कल है, अगर ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है, इफ सर्कल पासिंग थ्रू, इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर सर्कल कहां से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, तो अगर वो ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी जीरो, देन c इज इक्वल टू जीरो। अब कैसे, अगर ये एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो कॉमा जीरो, तो ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और अगर सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x की जगह हम लोग जीरो रखेंगे, y की जगह जीरो रखेंगे, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या बचेगा आपके पास, c इज इक्वल टू जीरो बचेगा। तो अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी, c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इफ सेंटर ऑफ सर्कल, इफ सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर किसी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, किसी भी सर्कल का सेंटर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कॉमा के से, तो एच कॉमा के से, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जैसे मान लो एक सर्कल है, इसका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा कुछ ना कुछ एच, और वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, जीरो होगा। तो अगर माइनस जी जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी आएगी, देन एफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, इफ सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है, अगर किसी सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे लाइज करता है, y एक्सिस पे लाइज करता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, तो माइनस है, इसका मतलब g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, देन g इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो सेकेंड केसेस में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी कोई सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर किसी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइज करता है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या, माइनस एफ की वैल्यू जीरो, माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर किसी सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे लाइज करता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब माइनस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, माइनस जी की वैल्यू जीरो, यानी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं, केस वन और केस टू। तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, इफ अ लाइन एक्स प्लस टू बी वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दिस सर्कल देन बी इज इक्वल टू, ठीक है, आपको ये एक लाइन दी है और ये लाइन क्या है, एक सर्कल की डायमीटर है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल, तो इस सर्कल के सेंटर क्या हो जाएगा, अब आपको डायरेक्टली सर्कल के सेंटर और रेडियस बता देना चाहिए, ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो 2g किसके बराबर में आएगा, माइनस सिक्स के बराबर में आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx,
2g माइनस सिक्स के बराबर में आएगा, तो g हो जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस g हो जाएगा थ्री। ठीक है, उसके बाद 2f किसके बराबर में आएगा, 2 के, इसका मतलब f कितना हो जाएगा 1, और माइनस f हो जाएगा माइनस 1। तो इस सर्कल के आपको सेंटर अब पता चल गए, सेंटर माइनस जी माइनस एफ यानी कि 3, -1। और आपको क्या बोला गया, ये जो लाइन है ये इस सर्कल की क्या है, डायामीटर है। अब डायामीटर है तो डायामीटर हमेशा ओरिजिन से पास होती है, इसका मतलब ये जो सेंटर है इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ डायामीटर, इक्वेशन ऑफ डायामीटर एक्स प्लस 2by प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सेंटर 3, -1 लाइज ऑन डायामीटर, जो सर्कल का डायामीटर है उसका इक्वेशन आपको दिया है, और जो सर्कल के सेंटर है वो कहां पे लाइज करते हैं, डायामीटर पे लाइज करते हैं। डायामीटर है जो सेंटर होता है वो कहां पे लाइज करता है, डायामीटर पे लाइज करता है। तो ये सेंटर इस डायामीटर के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि x के जगह आप क्या पुट अप कर सकते हो, 3 + 2b, y के जगह आप क्या पुट अप कर सकते हो, -1 + 7 = 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 3 + 7 ये हो जाएगा 10, 2b × -1 हो जाएगा -2b, -2b को उधर शिफ्ट कर दिए +2b हो जाएगा, और b की वैल्यू यहां से आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम आप पहले उसके डायग्राम इमेजिन करो, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन वही पे सॉल्व हो जाता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल आता है पहले उसको ठीक से पढ़ो समझो और उससे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सर्कल चैप्टर में अगर आप डायग्राम बना पाए न्यूमेरिकल से तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो सेकंड न्यूमेरिकल, इफ सर्कल x² + y² - kx - 2y + 4 इक्वल्स टू 0 टचेस द एक्स एक्सिस। अब ये जो सर्कल है ये सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर यहां गए तो भी होगा। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी रेडियस, क्या हो जाएगी, रेडियस। अब ये सेंटर है, इस मान लो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है -g - f। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लो मुझे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 2, 3 का मुझे इसमें प्लॉट करना है। मैं कैसे प्लॉट करूंगा, मैं ये देखूंगा कि x डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे 2 और y डिस्टेंस कितना ट्रैवल करे 3, तभी जाके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, 3। अब आपको एक रिवर्स वे से पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 5, तो इसका मतलब ये जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा, और ये जो y डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, ये पॉइंट है, सेंटर -g - f, इसका मतलब ये जो x डिस्टेंस होगा, ये x डिस्टेंस कितना होगा, -g हो जाएगा, और ये जो y डिस्टेंस होगा, ये y डिस्टेंस कितना होगा, -f हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है, x² + y² - kx - 12y + 4 = 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2g किसके बराबर में होगा, 2g होगा माइनस के बराबर में, तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -k/2 हो जाएगा, तो -g कितना होगा, -g हो जाएगा k/2, -g पता चल गया। 2f किसके बराबर में होगा, -12 के बराबर में होगा, तो 2f अगर -12 के बराबर में है तो f हो जाएगा -6 और -f हो जाएगा 6।
ठीक है, तो अब आपको माइनस जी और माइनस एफ पता चल गया। ठीक है, माइनस जी और माइनस एफ पता होने का मतलब आपको क्या पता चल गया, सेंटर पता चल गया। सेंटर, इधर सेंटर, हमने सर्कल का सेंटर क्या बताया, माइनस जी माइनस एफ, और माइनस जी कितना है, के बाय टू है, माइनस जी के बाय टू, माइनस एफ कितना है, सिक्स है। ठीक है, तो हमने सर्कल के सेंटर पता कर लिए, के बाय टू सिक्स। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये रेडियस के बराबर में, ठीक है, मतलब जो सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है वो किसके बराबर में है, माइनस एफ के बराबर में, और माइनस एफ कितना आपके पास, सिक्स, यानी रेडियस किसके बराबर में, सिक्स के बराबर में। अब रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। अच्छा, माइनस जी कितना है, माइनस जी है के बाय टू, इसमें पुट अप कर देते, माइनस के बाय टू का होल स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, प्लस एफ स्क्वायर, एफ कितना है, माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस सी, सी कितना है आपके पास, सी है आपके पास 4, इज इक्वल टू 6 हो गया। क्या करें, एक काम कर लेते, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पे के स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 36। 32 को उधर शिफ्ट किया, 32 साइड शिफ्ट जब होगा तो 36 माइनस 32, 36 माइनस 32 हो जाएगा 4, और 4 को भी शिफ्ट कर दो 16, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 4, तो k की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो k इज इक्वल टू रूट 16 हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो वीडियो को ठीक से देखो, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही उसको फिर से रिवाइंड करो और फिर से उसको समझो। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड पे। अब न्यूमेरिकल नंबर थर्ड क्या कहता है, The area of circle whose center is at 1, 2। मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर आपको दिया है, सेंटर दिया है 1, 2 पे, and which passes through the point, और ये जो सर्कल है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिया 4, 6। तो आपको क्या पूछा गया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आपको आर की जरूरत गिरेगी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपके सर्कल की रेडियस, तो आप रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या है, सीपी है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सीपी निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 4 - 1, 3 का होल स्क्वायर 9, 6 - 2, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनेगा 25 हो जाएगा, तो 5। चलो रेडियस आगे, रेडियस आगे तो आप एरिया ऑफ सर्कल आप बता सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई, करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। तो ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग के लिए भी नया है, ठीक है, ये भी हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है बाहर की सिचुएशन कैसी है, बाहर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सारी चीजें बंद है, ट्यूशन सब कुछ बंद है, तो ये भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो जो भी इसमें दिक्कतें आती है, जैसे हो सकता है कि आपको वीडियो क्वालिटी ठीक से ना मिले, या हो सकता है कि आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो हम डे बाय डे ये सारी चीजों को रिकवर करेंगे, बट आप लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग अपने तरफ से अगर कोई कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई ओपिनियन देना चाह सकते हैं, तो आप उसको मैसेज कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स आ गई, ताकि हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें। ठीक है, और आप लोगों के लिए ये जो टाइम है, ये मत सोचिए कि छुट्टियां है, आप लोगों के लिए छुट्टियां नहीं है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से सब लोग, इंडिया के सारे देश इस प्रॉब्लम से निपट रहे हैं, सबको ही दिक्कत है, बट आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब हम लोग इससे जा रहे हैं, हाँ, सबसे बड़ा टाइम है आपके पास रिवाइज करने का, जो चीजें हो चुकी है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए,
ठीक से उसके वर्कशीट दीजिए, रिवीजन कीजिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपका पढ़ाई से आप लोग टच में ही ना हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अपना डे का शेड्यूल बनाइए, काफी टाइम है आपके पास अब आपके चीजों को रिकवर करने के लिए। जो बच्चे अब तक ये सोच रहे थे कि हम लोग बहुत पीछे चले गए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जो उनका पिछला पार्ट जो है वो अपना कवर कर सके। तो आई होप कि आप लोग इस टाइम का सही यूज कर रहे हो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप अपनी चीजों को रिकॉल करना चालू कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अब नए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू एन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। जैसे कि अब आपको एक सर्कल दिया है, ये एक डायमीटर है ए बी, इस ए बी डायमीटर के एन पॉइंट्स आपको दिए। जैसे लेट्स से ए की जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स वन वाई वन और बी की जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स टू वाई टू, ठीक है। और ऑब्वियस है कि इसका जो सेंटर होगा, सेंटर वो कहां पे लाइज करेगा, सेंटर लाइज करेगा डायमीटर पे, ठीक है। तो आप इसके मुझे सेंटर बता सकते हो, सेंटर सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू और वाई वन प्लस वाई टू बाय टू, ये हो जाएगा इसके सेंटर। तो आप डायरेक्टली इसका इक्वेशन ध्यान रखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपके पास एक सर्कल है जिसमें आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, और ये होते हैं इसका सेंटर। टॉपिक नंबर फाइव, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो आपने अब तक चार इक्वेशन देख ली, जिसमें सबसे पहला था अगर सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है तो इक्वेशन क्या होता है, अगर सेंटर एच कॉमा के है रेडियस आर है तो इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद जनरल सर्कल आपने देख लिया कि जनरल सर्कल इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आपने लास्ट में डायमेट्रिक फॉर्म भी देख लिया कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल आपको दिया, ठीक, थोड़ा सा लेंगे टॉपिक है, ध्यान से देखो अच्छे से। ठीक है, एक सर्कल आपको दिया है, ये सर्कल मान लो सर्कल के जो सेंटर है वो सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के, ठीक है, जो सेंटर है उसको कोऑर्डिनेट देते हैं एच कॉमा के। जैसे कि आपको पता है सर्कल पे एक मूविंग पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं, इस पॉइंट, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन हो गया आपका। तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, एच डिस्टेंस होगा, ठीक है, समझा। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एच कॉमा के है, एच कॉमा के का मतलब एच जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से है यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये वाई डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस कितना है, के, ठीक है। अब ये पॉइंट पे देखो, यहां से परपेंडिकुलर नीचे बना लिया, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, ठीक है। कितना क्लियर होगा सबको, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, एच कॉमा के है, और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, सी के ये एक्स डिस्टेंस रहेगा एच और ये वाई डिस्टेंस हो जाएगा आपका के, वाई डिस्टेंस हो जाएगा के। यहां से एक परपेंडिकुलर बना है, तो ये जो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एक्स और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका वाई। मैं इसको एक पॉइंट नाम दे दो, इसको नाम देता हूं डी पॉइंट,
डी पॉइंट। तो क्या आप मुझे सीडी पॉइंट बता, सीडी बता सकते हो कितना होगा? सीडी 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 कैसे निकालेंगे, सीडी कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सीडी डिस्टेंस कितना होगा, एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, समझा? सीडी ये डिस्टेंस पता कर रहे हैं ना आप लोग, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यहां से आता टोटल डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस कितना है, एच है, तो एक्स में से एच को माइनस कर दिया तो सीडी हो जाएगा एक्स माइनस एच। उसी तरीके से अगर आपको पी डी डिस्टेंस निकालना है, पी डी पीडी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस क्या है, वाई है, और ये यहां से आता का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपका के। ठीक है, ये यहां से लेके आता का डिस्टेंस क्या है, के है, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो पीडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई माइनस के। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका सीडी डिस्टेंस, सीडी डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस एच है, पी डी डिस्टेंस कितना है, वाई माइनस के है। ठीक है, अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, जैसे कि ये डिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एंगल तैयार हो गया इसको हम लोग कहते हैं थीटा। एंगल क्या होता है, थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता होगा आर कॉमा थीटा होता था, तो हम लोग अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो अब इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल पी सी डी, ट्राइंगल पी सी डी ट्राइंगल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट मतलब एक्स माइनस एच अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब आर, आर को शिफ्ट किया हो जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस एच को शिफ्ट किया तो एच प्लस आर कॉस थीटा, एच प्लस आर कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर आप साइन थीटा पे ध्यान दो, साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा कहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है वाई माइनस के अपॉन हाइपोटेनस का है आर, इसको शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो अपन इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस के को शिफ्ट कर दो, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, के प्लस आर साइन थीटा, के प्लस आर साइन थीटा। तो आपको एक्स पता चल गया और आपको वाई पता चल गया। तो देखो आपको क्या पता चल गया, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो x कितना होता है, h प्लस आर कॉस थीटा और y कितना होता है, k प्लस आर साइन थीटा। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना कि क्या वाकई में ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको पता है ये सेंटर फॉर्म है, करते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। कैसे चेक करेंगे, आप x के जगह, x के जगह एच प्लस आर कॉस थीटा रख लो, x के जगह एच प्लस आर कॉस थीटा माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई के जगह, वाई के जगह के प्लस आर साइन थीटा माइनस के होल स्क्वायर। तो प्लस एच माइनस एच हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से प्लस के माइनस के कैंसिल, क्या बचा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, यानी ये कितना आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको सेटिस्फाइड किया, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को। अब देखते हैं अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो सर्कल है एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू के प्लस आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, आपको जैसे पता है सर्कल जिसका सेंटर क्या होता है जीरो कॉमा जीरो, सेंटर होता है जीरो कॉमा जीरो, यानी एच की वैल्यू कितनी होगी जीरो, के की वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा इस सर्कल के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये समझा सबको, इसको इसमें पुटअप करके चेक भी कर सकते हैं। देखो एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन, आर कॉस थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप आर स्क्वायर कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज वन, ठीक है। तीसरा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जनरल सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x इज इक्वल्स टू, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमने जब इसको सॉल्व किया था तो h की जगह माइनस g रखा था, h की जगह क्या रखा था माइनस g, तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस g प्लस, और r क्या होता है रेडियस क्या होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c cos थीटा होता है, और y इज इक्वल टू k की जगह क्या आएगा, k की जगह क्या आएगा माइनस f आएगा, माइनस f प्लस r की जगह क्या आएगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c sin थीटा, ठीक है। ओके तो अब तक आपको जितना भी पढ़ाया गया आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। नया टॉपिक आते हैं, सो न्यू टॉपिक है अपना इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय सर्कल। जैसे इंटरसेप्ट ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, कहां पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग वहां क्या कहते थे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हम लोग कहते थे जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट किया तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होता था इसको हम लोग कहते थे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कट हुआ तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे कट हुआ है तो वाई इंटरसेप्ट। अब सर्कल चैप्टर के अंदर इंटरसेप्ट क्या होता है ये देखते हैं, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय द सर्कल, ठीक है। एक्स एक्सिस दिया आपको और एक वाई एक्सिस दिया और मान लो एक सर्कल इस तरीके से है, ये सर्कल मान लो ये सर्कल है। अब क्या होगा इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को जहां कट किया जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ कट किया उसको मैं नाम देता हूँ ए और इसे नाम देते हैं बी, तो सर्कल ने एक्स एक्सिस को जहां कट किया है जैसे ए से लेके बी तक तो इसे हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जहां कट किया जैसे सी से लेके डी तक इसे सी से लेके डी तक इसे हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, यानी ए बी, ए बी इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ए बी क्या है एक्स इंटरसेप्ट है और सी डी, सी डी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो एक हमारे पास जनरल सर्कल है, अभी जो सर्कल है सर्कल का इक्वेशन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये हो गया सर्कल। अब ये जो पॉइंट ए है ये ए पॉइंट कहां पर है, ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ हो गए, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया जीरो, और B पॉइंट कहां पर है, B पॉइंट भी x एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y कोऑर्डिनेट कितना जीरो। ध्यान से देखने पे जो A पॉइंट है ये कहां पर लाइज कर रहा है सर्कल पे लाइज कर रहा है, B
बी पॉइंट कहां पे लाइज कर रहा है, सर्कल पे लाइज कर रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ए पॉइंट एक्स वन कॉमा जीरो लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पे लाइज करेगा, लाइज ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स वन कॉमा जीरो कहां पे लाइज कर रहा है, उस सर्कल पे। इसका मतलब एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स वन, और वाई की जगह क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर एक्स की जगह आएगा एक्स वन, तो ये बनेगा एक्स वन स्क्वायर, वाई की जगह आएगा जीरो, तो ये बन गया जीरो प्लस टू जी, एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह फिर जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या मिल गया अपने को, क्वाड्रेटिक मिल गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिला तो इसके दो रूट होंगे, दो रूट, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाय ए। तो इसके दो रूट, मान लो दो रूट है, एक रूट ले लेते हैं एक्स वन और दूसरा रूट क्या लेते हैं एक्स टू। ठीक है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना हो जाएगा, ये दूसरा रूट यहाँ पर, एक रूट ये अल्फा और ये रूट है बीटा, अल्फा मतलब एक्स वन और बीटा मतलब एक्स टू। तो एक्स वन प्लस एक्स टू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस बी, बी मतलब कितना है टू जी। ठीक है, माइनस बी बाय ए मतलब कितना है वन, याद है आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्वाड्रेटिक होता था। इसके दो रूट होते हैं, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता था माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता था सी बाय ए। तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना होगा बी, यानी कितना है टू जी, तो माइनस बी बाय ए, ए मतलब कितना है वन, और एक्स वन इंटू एक्स टू कितना होगा, एक्स वन इंटू एक्स टू कितना होगा सी बाय ए, सी मतलब सी है यहाँ पे, ए मतलब कितना है वन है, ये कितना आएगा सी। तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू जी आ गया, एक्स वन इंटू एक्स टू कितना आ गया सी बाय ए आ गया। अच्छा, हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट पता होने के लिए एक्स वन पता होना चाहिए और बी के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए एक्स टू पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू जी आ गया, एक्स वन इंटू एक्स टू सी आ गया। अच्छा, एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस फोर, माइनस फोर एक्स वन एक्स टू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू कितना है माइनस टू जी, माइनस टू जी पुट अप किया, माइनस टू जी का स्क्वायर हो जाएगा फोर जी स्क्वायर माइनस फोर, एक्स वन एक्स टू कितना है सी, इसको निकाल देता हूं। तो अब क्या आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, अंडर रूट ऑफ फोर कॉमन निकाल लिया, जी स्क्वायर माइनस सी आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू कितना आ गया टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और ये अपना क्या आएगा एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर होगा, डायग्राम पर ठीक से देखो, प्लस y2 माइनस आर वन होल स्क्वायर, ये कितना आएगा x1 माइनस x2 ही आएगा, और x1 माइनस x2 कितना है, x1 माइनस x2 टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। ये आ गया आपका ए बी, ए बी का मतलब x इंटरसेप्ट टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट। तो सिमिलरली अब आप y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली लिखता हूँ, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना होगा टू अंडर रूट ऑफ g, तो यहाँ पे f आएगा एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया आपका y इंटरसेप्ट। इसमें सबसे पहले केस वन, केस वन, केस वन में क्या हो सकता है, केस वन में होगा कि एक x एक्सिस है
एक y एक्सिस है, तो जो सर्कल है वो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को कट करेगा। तो जब दोनों को कट करेगा तो a और b x इंटरसेप्ट होगा, c और d y इंटरसेप्ट होगा। तो AB यानी कि x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कितना मिला, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। और CD यानी कि y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला कितना, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये होगी केस वन। केस टू ठीक है। केस टू में क्या हो सकता है कि सर्कल जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करे, और अगर सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हो सकता है जो सर्कल है वो वाई एक्सिस को क्या करे, सिर्फ टच करे। अगर सर्कल वाई एक्सिस को अगर टच करता है तो वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट भी हो जाएगा जीरो। और एक्स इंटरसेप्ट कितना आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और वाई इंटरसेप्ट कितना है, 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। चलो शिफ्टिंग करते हैं, 2 को शिफ्ट किया, जीरो हो गया। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, यानी जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, सी। यहाँ पे भी 2 को शिफ्ट किया, जीरो हो गया। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया और शिफ्ट किया तो एफ स्क्वायर किसके बराबर में आएगा, सी के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, केस वन और केस टू। अब आते ओके केस नंबर थ्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये हो गया आपका सर्कल। सर्कल ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट किया। सर्कल ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट किया, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है और ये जो वाई इंटरसेप्ट है इनकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि ये लेंथ है, इसकी वैल्यू कैसे देगी, जीरो से बड़ी होगी। तो एक्स इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स इंटरसेप्ट कितना आपके पास, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो आएगा। 2 को शिफ्ट किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, यानी जी स्क्वायर माइनस सी कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। यानी जी स्क्वायर की वैल्यू सी से कैसे आएगी, ग्रेटर आएगी। जी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, सी से ग्रेटर आएगी। उसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट, सर्कल ने एक्स एक्सिस को कट किया, वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट भी जीरो से बड़ा होगा। और अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो से बड़ा होगा तो 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, 2 को शिफ्ट किया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, ग्रेटर देन सी आएगी। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं तो जी स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, सॉरी स्क्वायर सी से ग्रेटर आएगी और एफ स्क्वायर की वैल्यू भी सी से ग्रेटर आ जाएगी। ये हो गया केस नंबर 3। केस नंबर फोर क्या कहता है कि अगर इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या फिर सर्कल y एक्सिस को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, अगर सर्कल x एक्सिस या y एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे तो x इंटरसेप्ट ट्रायल ही होगी, x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा जीरो। और अगर x इंटरसेप्ट जीरो होगा मतलब x इंटरसेप्ट कितना होता है, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी ये भी जीरो हो जाएगा। 2 को शिफ्ट किया, जीरो हो गया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो जी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में आएगी, सी के बराबर में आएगी। और यहाँ पे भी देखो, अगर ये वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट भी कितना रहेगा, जीरो। और अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा तो 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा। 2 को शिफ्ट किया, ये भी जीरो हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया
यहाँ पे एफ स्क्वायर किसके बराबर में आएगा, सी के बराबर में आएगा, ठीक है। केस नंबर फाइव। अब केस नंबर फाइव क्या कहता है कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है और टच भी नहीं कर रहा, मतलब अब वो जी एक्स एक्सिस है, अब वो जी एक्स एक्सिस है और यहां पे भी, ठीक है। तो अगर ये एक्स टच भी नहीं कर रहा है और कट भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट जीरो से लेस होगा, एक्स इंटरसेप्ट जीरो से लेस होगा, इसका मतलब टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी के जीरो से लेस होगी। टू को शिफ्ट किया तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी जीरो से लेस होगी, जीरो से लेस होगी, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आएगा, यानी जी स्क्वायर लेस देन सी आ जाएगा। कब, जब सर्कल अब वो डी एक्स एक्सिस हो और सर्कल अगर बिसाइड दी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साइड में, तो वाई इंटरसेप्ट ये भी जीरो से लेस होगा, जीरो से लेस होगा मतलब टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू भी जीरो से कम होगी। टू को शिफ्ट किया जीरो हो गया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो से लेस होगा, एफ स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो से लेस आएगी, ठीक है। तो इस तरीके के पांच केसेस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर ठीक से देखो और पांचों केसेस को अच्छे से समझो, ठीक है। तो आज हम लोग यही पे स्टॉप होते हैं, इसका जो कंटिन्यू पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं डेली शाम में आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा और आज आपको सर्कल चैप्टर के पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जैसे ये टॉपिक होता है, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इस टॉपिक को आप अपने नोट्स के साथ वेरीफाई करो और वहां जो सॉल्व न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करो और उसमें सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं उसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्सिस, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, अपने थियोरेटिकल पार्ट उसका देखा है, पांच केसेस है अपने वो भी देख लिए। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आपको इसको सॉल्व करके मुझे आज शाम तक, जैसे आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आज शाम में जैसे आपका वीडियो अपलोड हो गया उसके एक या दो घंटे में आपको वो होमवर्क सॉल्व करके मुझे मैसेज करना होगा। तो मैसेज कर रहा होगा तो आप लोग क्या करोगे, आपको क्या करना है कि जिस भी पेज पे आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जिस भी ग्रुप पे आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको उसपे मुझे फोटो निकालनी है, फोटो निकाल के आप मुझे वो पर्सनली टैग्स करोगे, तभी मुझे क्लियर होगा कि कौन कौन बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और कितने बच्चे इस वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं। और आपको होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है। ये है आप लोगों का होमवर्क, आप सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करो, जिसका भी होमवर्क सॉल्व होता है उसके आप पेज निकाल के मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो कि हमने ये होमवर्क सॉल्व किया और हमारा ये आंसर है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेगा, ओके। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, और आपको सीरियसली लेना भी चाहिए, ओके। तो बाकी के अपडेट्स के लिए हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, डेली शाम को लगभग 6:30 के आसपास एक वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। आपको वीडियो को ठीक से देखना है, आपको आज मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, आपको नोट्स को ठीक से देखो, उसमें सॉल्व प्रॉब्लम है उसको ट्राई करूँ, उसके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम को ट्राई करूँ, ठीक है, ओके।